श्रद्धा मर्डर मामले में आरोपी आफताब की पुलिस रिमांड, 5 दिन के लिए बढ़ी साकेत कोर्ट का आया फैसला। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई कोर्ट में आफताब की पेशी, जांच के लिए उत्तराखंड और हिमाचल जाएगी दिल्ली पुलिस। दिल्ली में आफताब के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा, साकेत कोर्ट के बाहर वकीलों ने फांसी की मांग के साथ की नारेबाजी। पुलिस पूछताछ में खौफनाक खुलासा, पहचान मिटाने के लिए उसने की थी चेहरे को जलाने की कोशिश। श्रद्धा मर्डर मामले में लगातार तीसरे दिन जांच जारी, दिल्ली में मैरोली के जंगल में सबूतों की हो रही है तलाश। पूछताछ में आफताब ने हैरान करने वाली जानकारी दी, उसने श्रद्धा के शव के टुकड़े करने में 10 घंटे बिताए, बाद में उसने बियर और सिगरेट पी, घंटों पानी से शव के टुकड़े को धोया। शव के टुकड़े करने के बाद आफताब ने ऑनलाइन खाना मंगवाया, बाद में उसने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्म देखी। जिस गाड़ी में आफताब ने फेंके थे श्रद्धा के कपड़े, पुलिस ने उसकी पहचान की। कचरा फेंके जाने वाली 2 जगहों की छानबीन करेगी पुलिस। श्रद्धा मर्डर मामले पर कानून मंत्री किरेन रिजिजू का बयान, जघन्य अपराधों के लिए हमने बनाए हैं फास्ट ट्रैक और स्पेशल कोर्ट। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी आफताब के लिए सरेआम चलाए की पर फांसी की मांग कर रहे हैं, कहा लव जिहाद मामले को धर्म और जाति से नहीं जोड़ना चाहिए। श्रद्धा मर्डर मामले में इंसाफ के लिए सक्रिय हुई वीएचपी, अहमदाबाद में निकाला कैंडल मार्च। श्रद्धा मामले में मुंबई में भी हलचल, वरसई के मानिक पुलिस स्टेशन में अफसरों से मिली शिवसेना उद्धव गुट की नेता नीलम गोरहे। बागपत में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, आफताब के लिए फांसी की मांग, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। आफताब के घर पानी का मोटर ठीक कराने आए मैकेनिक का बयान, कहा देखकर नहीं लगा कि ऐसी वारदात को दे सकता है अंजाम। दिल्ली एमसीडी चुनाव में श्रद्धा मर्डर की एंट्री, चावला सीट के बीजेपी उम्मीदवार का दावा, मैं किसी बहन श्रद्धा का शिकार किसी आफताब से नहीं होने दूंगा। दिल्ली में एलजी ने डीडीसीडी के उपाध्यक्ष जैस्मीन शाह को पद से हटाने का दिया आदेश, पद के दुरुपयोग का आरोप। एलजी ने डीडीसीडी के दफ्तर को भी सील करने का दिया आदेश। फारूक अब्दुल्ला का नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा, 5 दिसंबर को नेशनल कॉन्फ्रेंस के नए अध्यक्ष का होगा चयन, उमर अब्दुल्ला का चुना जाना लगभग तय। बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने सीएम योगी को लिखी चिट्ठी, धर्मांतरण कानून में बदलाव की मांग। संभल में 2 पक्षों के बीच जमकर बवाल, घर के छत से पथराव में कुछ लोग घायल, पुलिस ने 16 उपद्रवियों को किया गिरफ्तार, 18 लोगों पर मामला दर्ज। बलिया में NH-31 पर पुलिस की अवैध वसूली का वीडियो वायरल, ट्रकों को रोककर वसूली करती दिखाई दी पुलिस। अजमेर में शराब पीने के बाद 3 युवकों की बिगड़ी हालत, 1 युवक की मौत, 2 की हालत गंभीर। हैदराबाद में बाल बाल बचाओ बड़ा ट्रेन हादसा, नवजीवन एक्सप्रेस के पैंट्री कार में लगी आग। गुडुरू रेलवे स्टेशन पर 1 घंटे रुकी रही ट्रेन। अजमेर में पारिवारिक रंजिश में युवक ने अपनी पत्नी और सास पर चाकू से किया हमला, दोनों अस्पताल में हुए भर्ती। मिली बड़ी सफलता, देवी धाम मंदिर में हुई चोरी का किया खुलासा। लखनऊ में निधि मौत मामले में आरोपी सुफियान पर 25,000 का इनाम घोषित, गिरफ्तारी के लिए 5 टीमों का गठन। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक शोरूम में लगी भीषण आग, करोड़ों रुपए की बाइक स्कूटी और सामान जलकर खाक। गाजियाबाद के जिला जेल में 140 एचआईवी पॉजिटिव कैदियों के मिलने से खुलासा, सभी कैदियों का कराया जा रहा है परीक्षण। इंदौर में ड्राई फ्रूट कारोबारी को बंदूक दिखाकर बदमाश ने की लूट की कोशिश, विरोध करने पर भागा अपराधी, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। हरियाणा के बहादुरगढ़ हत्याकांड में 2 आरोपी गिरफ्तार, पुरानी रंजिश के साथ के लोगों के साथ मिलकर की गई थी साजिश। अमृतसर में पुलिस के हाथ लगे 2 बदमाश, बदमाशों से हैंड ग्रेनेड और कैश किया जब्त। महाराष्ट्र के नांदेड़ में उत्पादन शुल्क विभाग की टीम ने अवैध शराब की एक फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, 12 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त। बिहार के सीतामढ़ी में निगरानी टीम ने रिश्वत लेते ड्रग इंस्पेक्टर को पकड़ा, दवा दुकानदारों से ले रहे थे 2-2 लाख की रिश्वत। मुजफ्फरपुर का चर्चित किडनी कांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, दिल्ली से भूटान भागने की कर रहा था तैयारी। तमिलनाडु के पुदुकोट्टई में मंदिर में चोरी के शक पर भीड़ ने परिवार का किया पीछा, 10 साल के बच्चे की मौत, पुलिस ने भीड़ से परिवार को छुड़ाया। उदयपुर में बदमाश ने होटल मालिक पर चलाई गोली, गोली लगने से शख्स हुआ गंभीर रूप से घायल, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। बरेली में टीटीई पर चलती ट्रेन से फौजी को धक्का देने का आरोप, गंभीर हालत में फौजी को मिलिट्री हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। रत्नागिरी जिले के साखरपा में धू धू कर जली बस,
कोई हताहत नहीं। गुरुग्राम में एक बार फिर दिखा गौ तस्करों का आतंक, चलती गाड़ी से गौवंशों को गौ रक्षकों की गाड़ी के सामने फेंका और चलाई गोली। यूपी के बस्ती में बीजेपी के पूर्व विधायक चंद्र प्रकाश शुक्ला के घर हुई लाखों की चोरी, रात में पेट्रोलिंग की भी खुली पोल। लुधियाना में एनसीबी को मिली बड़ी सफलता, 20 किलो हेरोइन के साथ एक शख्स गिरफ्तार। कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में लगी आग, दमकल की 9 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। नोएडा में बच्ची पर किया कुत्ते ने हमला, डॉग ओनर पर लगा 10,000 का जुर्माना, केस भी हुआ दर्ज। बांदा में शादी समारोह में फायरिंग करने वाले युवक को जेल, वीडियो हुआ वायरल। भिंड में मंत्री के भतीजे ने पुलिस पर दिखाई दबंगई, नाके पर पुलिस वालों के साथ बहसबाजी, वीडियो वायरल। आरा पहुंचे चिराग पासवान, बढ़ते अपराध और हत्याओं के खिलाफ महागठबंधन सरकार पर जमकर बोला हमला। उत्तराखंड के कौसानी और बैजनाथ में जबरदस्त ठंड, अलाव का सहारा लेकर लोग कर रहे हैं अपना बचाव। रुद्रप्रयाग के डीएम ने विभागों का किया औचक निरीक्षण, अस्पतालों का जायजा, सभी मेडिकल स्टोर पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के दिए निर्देश। यूपी के फरुखाबाद में दुष्कर्म के आरोपी के धमकाने पर पीड़िता ने डीजल लगाकर खुद को लगाई आग, जेल से छूटे दोनों आरोपी कर रहे थे पीड़िता को परेशान। दिल्ली में आज नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन, पीएम मोदी करेंगे ग्लोबल मीट का उद्घाटन, भारत समेत 72 देश होंगे शामिल। भारत के लिए आज का ऐतिहासिक मौका, श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस भरेगा उड़ान। राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची केंद्र सरकार, रिव्यू पिटीशन किया दाखिल, कहा मामले में बहस का नहीं मिला पर्याप्त मौका। रामपुर में बीजेपी उम्मीदवार की शिकायत के बाद आजम खान का नाम वोटर लिस्ट से कटा, निर्वाचन अधिकारी की कार्रवाई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन को झटका, दिल्ली कोर्ट से नहीं मिली बेल, दूसरी याचिकाएं भी खारिज। अवैध खनन पट्टा मामले में ईडी के सामने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन हुए पेश, रांची के दफ्तर में करीब 8 घंटे चली पूछताछ। ईडी के सामने पेशी से पहले सीएम सोरेन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मेरे खिलाफ सभी आरोप आधारहीन, विपक्ष की साजिश का बना हूं शिकार। सीएम दफ्तर के बाहर जमा हुए हेमंत सोरेन के समर्थक, विपक्ष और ईडी के खिलाफ हुई नारेबाजी। भारत जोड़ो यात्रा में सावरकर पर सुलगी सियासत, राहुल गांधी ने कहा अंग्रेजों के मददगार, दिखाई अंग्रेजों को लिखी माफीनामे वाली चिट्ठी। राहुल के बयान पर भड़के सावरकर के रिश्तेदार पोते रंजीत सावरकर ने राहुल के खिलाफ दर्ज किया मामला। नवी मुंबई में शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, सावरकर पर राहुल गांधी के बयान पर नाराजगी। नागपुर में राहुल गांधी के खिलाफ विरोध मार्च, भारतीय जनता युवा मोर्चा और बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन। बालासाहेब ठाकरे के 10वें स्मृति दिन पर संजय राउत का बयान, कहा बाला साहेब और सावरकर को दिया जाए भारत रत्न। मंदिर वाली आकृति का केक काटकर फंसे कांग्रेसी नेता कमलनाथ, एमपी के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले हिंदू धर्म की आस्थाओं पर बंद हो